ঠিক আছে तो वीडियो का पूरा हिस्सा आप आगे देखेंगे। आपको बता दूं कि ये वीडियो बांग्लादेश के ट्विटर हैंडल में, मतलब कुछ वहां के जो लोग हैं उनको, मतलब मैंने वहां से उठाया है। और ये आप उस ट्विटर अकाउंट का यूजर नेम भी देख सकते हैं, इसने क्या लिखा है। इसने क्लियरली लिखा है कि ये मतलब मैदान से 5 मिनट की दूरी पर बिहारी रिफ्यूजी कैंप है। बिहारी रिफ्यूजी कैंप आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ वर्ड बिहारी का मतलब भारत के, बिहार के अभी के लोगों से नहीं है, मैं आपको बताऊंगा आगे वीडियो में। पहले पूरा वीडियो देखते हैं, फिर वीडियो के अंतिम भाग में जो इसके पीछे लॉजिक है, जो बांग्लादेश के लोग हैं वो पाकिस्तान को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, वो बात बताऊंगा। ঠিক আছে ভাই, ঠিক আছে दोस्तों, 1971 में जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, आपको भी पता है बिहार, यूपी, एमपी, सीपी, महाराष्ट्र और गुजरात और जो भी राजस्थान है, यहाँ के लोगों ने बेसिकली पाकिस्तान बनाया था। आपने अब तो ये पढ़ भी लिया होगा, अब ये किसी से छुपा नहीं रह गया है। तो यहाँ के लोग बेसिकली, ज़्यादातर लोग तो गए कराची, जो हिंदी या उर्दू स्पीकर थे वो कराची चले गए, जो पंजाबी थे वो पंजाब, पाकिस्तान के पंजाब चले गए, जो बांग्लादेश गए वेस्ट बंगाल के, वो बांग्लादेश में सेटल हो गए। उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। प्रॉब्लम उन लोगों को आई जो बेसिकली, अगर मान लीजिए आप बिहार से जा रहे हो ढाका, तो ढाका तो ओवरऑल बंगाली स्पीकिंग लोग हैं और बिहार का ऑब्वियसली भोजपुरी बोलेगा, तो भोजपुरी बोलने वाले को वहाँ पर प्रॉब्लम आई, तो वो वहाँ पर रहते रहे। लेकिन आपको भी पता है बाद में बांग्लादेश अलग हो गया। 1971 में जो युद्ध हुआ, पाकिस्तान आर्मी का साथ दिया इन बिहारी लोगों ने। तो इन बिहारी लोगों को अभी भी वहाँ पर एज अ रिफ्यूजी ट्रीट किया जाता है। कई लोगों को शायद नागरिकता भी नहीं दी गई है, और पाकिस्तान ने वादा किया था कि इन लोगों को उठाकर ले जाएगा। 1-2 लाख लोगों को ले गया, बाकी वो किसी को नहीं ले गया। और यहाँ पर जनरेशन बाय जनरेशन ये बढ़ते गए, और अभी भी ये लोग पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। हालांकि ये तो हुआ होगा कि बहुत सारे बिहार ऑब्वियसली वापस आ गए होंगे, क्योंकि बांग्लादेश भारत की बॉर्डर तो ऐसी है कि कॉमन लोग आराम से यहाँ से वहाँ घुस गए होंगे, पता भी नहीं चलना। आपको भी पता है कितने सारे घुसे हैं,
कितने लोग नहीं घुसे हैं। तो अभी ट्विटर पर ऐसे प्रोपेगेंडा किए जाते हैं, पाकिस्तान के लिए काफ़ी सपोर्ट दिखाया जाता है, कश्मीर के लिए काफ़ी सपोर्ट दिखाया जाता है बांग्लादेश में, तो ये वही लोग हैं, मतलब मोस्टली यही हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बांग्लादेश के लोगों को क्लीन चिट दे सकते हो। आपने हाल ही में देखा होगा कितने ज़्यादा हिंदू मुस्लिम दंगा फसाद हुए, उसके पीछे बेसिकली वजह आई थी जो दुर्गा पंडाल में जो राक्षस होता है उसके पैरों के पास कुरान मिली। ये बात तो आग की तरह फैल गई, लेकिन ये बात बहुत बाद में आई कि वो कुरान कैसे पहुंची वहां पर। तो बेसिकली सीसीटीवी में सामने आ गया कि एक मुस्लिम, आप जाएंगे उसका मुस्लिम का नाम सब कुछ सामने आ गया, उस मुस्लिम ने वहां पर वो कुरान रख दी थी। उसके बाद दंगे फसाद हुए, वहां से हिंदुओं को भगाया गया, और वहां पर ऑब्वियसली बहुत सारे दंगे फसाद हुए, हिंदुओं को भगाया गया, उनकी प्रॉपर्टी लूटी गई, बहुत सारे लोग मारे गए, इस्कॉन टेम्पल के पंडित तक को मार दिया गया, इस तरीके की चीज़ें हुई। और बाद में वो पकड़ा गया जिसने कुरान रखी थी, उसको डिक्लेयर कर दिया कि ये मेंटल पागल है, तो उसने कुरान रख दिया। मतलब ये तो होगा ऑब्वियसली इन चीज़ों को बचाने के लिए, आखिरी में जो जो व्यक्ति ऐसी हरकत करता है उसको मेंटल पागल ही बताया जाता है। लेकिन अगर वो काफिर होता, मतलब काफिर होता तो मेंटल पागल भी होता, तो उसके बाद भी उसकी सजा मौत होती, लेकिन वहाँ वो बच गया। तो दोस्तों उन लोगों को भी आप क्लीन चिट नहीं दे सकते, क्योंकि ऑब्वियसली जब काफिरों के खिलाफ बात आती है तो फिर वो बिहारी हो या बेसिकली बांग्लादेश को हो, कोई भी हो, वो सेम पेज पर ही रहते हैं, वो इसी तरीके की हरकत करते हैं। तो आप देख सकते हो पाकिस्तान की टीम को जो सपोर्ट कर रहा है वहाँ पर, उनके साथ ये हाल हो रहे हैं। तो दोस्तों आपको भी पता है भारत में भी ऐसा हुआ था, भारत में जो बिहार के स्टूडेंट थे, उसके बाद में बिहार के स्टूडेंट का काफ़ी फैन बन गया था। पंजाब की एक यूनिवर्सिटी में भारत पाकिस्तान के मैच के बाद हुआ क्या था कि जो कश्मीरी थे भारत की हार को सेलिब्रेट कर रहे थे, तो बहुत सारे कश्मीरी थे, लगभग 100 और 30-40 थे बिहार और यूपी के स्टूडेंट, इन लोगों ने जाकर उनकी कर दी धुनाई। ऑब्वियसली अब दोनों तरफ से मारपीट हुई होगी, लेकिन धुनाई तो की, जिगरा तो था। उसके बाद में इनका काफ़ी फैन हो गया था, जिसके बाद बिहार के स्टूडेंटों को निकाल भी दिया गया था यूनिवर्सिटी से, बाद में फिर उनको वापस ले लिया गया था। लेकिन आपको भी पता है ये चीज़ें होंगी, भारत पाकिस्तान का मैच हो और भारत में रहकर अगर पाकिस्तान को आप सपोर्ट करते हो, और ऑब्वियसली बहुत सारे लोग करते हैं, आपने आतिशबाजी देखी होगी पाकिस्तान जब जीता था भारत से, तो मतलब शहर के कुछ ना कुछ ऐसे इलाके होते हैं जहां पर आपको भी पता है कि कौन लोग डोमिनेट करते हैं, वहां पर ना पुलिस जाती है, वहां हर तरीके के क्राइम होते हैं, उन एरिया में आतिशबाजी होती है, और आतिशबाजी किसे नीचा दिखाने के लिए होती है ये भी आपको पता है, सब कुछ पता है। तो उसके बाद हुआ क्या, पाकिस्तान जैसे ही हारा तो उससे 100 गुना ज़्यादा आतिशबाजी हुई, और उसका रिएक्शन भी आपको पता है क्यों हुई, क्योंकि वो उसका रिएक्शन था भारत पाकिस्तान के मैच के बाद जो आतिशबाजी हुई थी उसका रिएक्शन था। इवन मैंने तक बम फोड़े थे, मैं तो आपको बता रहा हूँ, मैंने 10-20 मतलब बम फोड़े थे, और लगभग कई साल बाद, 10 साल बाद मैंने बम फोड़े थे, वो भी रस्सी बम। तो दोस्तों ये तो था मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, आपको क्या लगता है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर अपने सुझाव दें। आगे एक और वीडियो लगा रहा हूँ, ये कल वीडियो मैंने अपलोड किया था, फिर से लगा रहा हूँ कि ये भी एक मतलब हादसा हुआ था। हालांकि इसमें कुछ लोग कहेंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्रिकेट है, क्रिकेट में किसी भी देश का कोई भी नागरिक किसी को भी सपोर्ट कर सकता है। जी हाँ, कर सकता है, लेकिन ये सब चीज़ें पॉसिबल होती हैं जब आप इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा है, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा है, इंग्लैंड में हो रहा है, लेकिन इंग्लैंड के नागरिक ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट कर रहे हैं, कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता उनको, कोई फर्क नहीं पड़ता। साउथ अफ्रीका का मैच हो रहा है, इंग्लैंड का मैच हो रहा है, साउथ अफ्रीका और मतलब इंग्लैंड का नागरिक साउथ अफ्रीका को सपोर्ट कर रहा है, कोई घंटा नहीं फर्क पड़ता है, मतलब ये हो सकता है। लेकिन भारत पाकिस्तान की बात आती है, पाकिस्तान बांग्लादेश की बात आती है, इन देशों की हिस्ट्री ऐसी कुछ रही है। इवन आपने देखा होगा अफगानिस्तान पाकिस्तान का मैच देखा था आपने, कितना ज़्यादा क्राउड था, और अफगानिस्तान पाकिस्तान के मैच के क्राउड में इतनी ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं कि मतलब आप हद से ज़्यादा वो लोग गुजर जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उनकी हिस्ट्री ऐसी रही है, पाकिस्तान अफगानिस्तानियों की हिस्ट्री इतनी मतलब ख़तरनाक रही और अभी भी इतनी ख़तरनाक हिस्ट्री है, जिस वजह से उनके बीच काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ होती। इवन अफगानिस्तान के जो प्लेयर होते हैं राशिद खान, मोहम्मद नबी, वो फैन से गुजारिश करते हैं मैच शुरुआत होने से पहले कि प्लीज़ फैंस जो है वो मतलब अपने जो इमोशन है उन पर काबू पाएं और इसे मैच की तरह ट्रीट करें। इस तरीके के मतलब इस तरीके की चीज़ें होती हैं, ऐसा भारत पाकिस्तान के मैच में कभी भी नहीं होता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव जरूर दें। और अभी तो पाकिस्तान के ट्विटर हैंडल ये शेयर करने में लगे हों कि पाकिस्तान की टीम को घर जैसा सपोर्ट मिल रहा है बांग्लादेश में, लेकिन वो है कौन लोग, वो हैं तो बेसिकली पाकिस्तानी, जिनको पाकिस्तान अभी तक मतलब ले नहीं जा रहा है कहाँ से, बांग्लादेश से, जो कि वहाँ की अभी नागरिकता भी कई लोगों को नहीं मिली है। तो आप अगर इस टॉपिक के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आप सर्च करिए नेट पर, बिहारी मुस्लिम इन बांग्लादेश डालिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा यूट्यूब पर और गूगल पर आप जा।
লজ্জা লাগে না আপনি আমার আপনার লজ্জা এটা খোলেন এটা খোলেন 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 ভাই গ্যাস লাইট আছে মজা কিসে বাংলাদেশ পাইছি আমরা সেই পাকিস্তান চলে আসছি না আপনারা কি বলেন ছিলেন এই বাবু ভাই ছিলেন মানে আপনাদের কাছে রাখেন ওই নীতি আসলে ওরা উত্তম মধ্যম দিবেন নীতি আসলে